कल हमने वेव डिस्कस किया था, अब हम पढ़ेंगे टाइड्स, पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड। यानी कि पूरे मतलब एक दिन में दो बार अलग अलग टाइम के इंटरवल पर जब मतलब ओशंस का पानी एक बार ऊपर उठता है और एक बार नीचे गिरता है तो उसको हम टाइड कहते हैं। वेव और टाइड में डिफरेंस है। टाइड मोस्टली एक्सपीरियंस इन ओशंस एंड सीज, ओशन और सीज में ही देखने को मिलता है। जो टाइड जो वेव होती है वो सभी वाटर में देखने को मिल जाती है। जो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून एंड सन का सरफेस ऑफ द अर्थ कॉज द टाइड्स। और टाइड किस वजह से होते हैं? जब मून और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है, जब यानी धरती जो है वो मून और सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, तब टाइड पैदा होते हैं। यहाँ पर दो टाइप के टाइड होते हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड। जब सी वाटर का जो लेवल हाई होता है तो हाई टाइड होता है, और जब लो होता है तो वो लो टाइड होता है। ये क्या है? एक दिन में दो बार होते हैं। इसकी हाइट जो है वो डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, मून का कितना ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ के टुवर्ड्स। एज द मून क्लोजर थ्रू द अर्थ, जितना अर्थ के क्लोज होगा मून, इट एक्सर्ट्स लार्जर ग्रेविटेशनल पुल, इतना ही ज़्यादा इसमें लार्जर ग्रेविटेशनल पुल होगा और इससे हाई टाइड पैदा होता है। ऑन फुल मून, अगर फुल मून और न्यू मून, द सन द मून एंड द अर्थ ऑलमोस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मून सन और अर्थ स्ट्रेट लाइन में है तो सन और जो मून है वो क्या एग्जर्ट करता है? एक कम्बिनेशन बनाता है जिसको ग्रेविटेशनल, किसका कम्बिनेशन होता है वो? ग्रेविटेशनल पुल का। इसलिए हाई टाइड होते हैं और हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, लो टाइड जो होंगे वो लोवेस्ट। इस फिनोमिना को हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज स्प्रिंग टाइड। ऑन हाफ मून डे, हाफ मून डे पर जो सन एंड मून जब राइट एंगल बनाते हैं इस तरह, ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वार्टर हो गया मून का, ये थर्ड क्वार्टर है। तो जब सन और मून क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का जब वो एंगल बनता है तो क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन एंड मून टेंड्स टू कैंसिल द ईच अदर, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इस वजह से स्मॉल राइज होता है सी वाटर का, जिसको हम नीप टाइड कहते हैं। लो टाइड, हाई टाइड, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, तीन चार चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके। हाई टाइड जो होता है वो नेविगेशन में हेल्प करता है। नेविगेशन मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ फाइंड आउट करनी हो, डायरेक्शन वगैरह में हेल्प करता है। दिस राइज द वाटर लेवल क्लोजर टू द शोर, ये क्या है, वाटर को लगभग शोर के नियर में ले आता है। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव, जो शिप होती है उसको अराइव करने में हेल्प करता है एट हार्बर मोर इजीली। हाई टाइड के दौरान जो फिश है वो कोस्ट के नज़दीक आ जाती है, जिससे जो फिशरमैन होते हैं मोस्टली क्या है, वहाँ से इजीली उसको क्या कर पाते, पकड़ पाते, कैच कर पाते हैं। हाई टाइड के दौरान जो सलाइन वाटर होता है, जो नमक वाला वाटर होता है, वो लो लाइंग कोस्टल एरियाज में स्टोर हो जाता है। इसलिए जो सलाइन वाटर होता है स्प्रेड आउट हो जाता है इन द फील्ड्स एंड यूज टू मेक कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट बनाने में भी हेल्प मिलती है। जो एनर्जी होती है टाइड की उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ किया जाता है। टाइडल पावर स्टेशन जो होते हैं वो मोस्टली यूके, कनाडा और फ्रांस और जापान में वो किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई टाइडल एरिया होते हैं। नेक्स्ट है आपका ओशियन करंट्स, यानी ओशियन के पानी का बहाव जो है वो आपका ओशियन करंट है। ओशियन वाटर मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशियन टू अनदर पार्ट, ओशियन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करता है जब वाटर, तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है ना ओशियन वाटर की, वो किस फॉर्म में होती है, स्ट्रीम्स की फॉर्म में होती है। इट इज़ डेफिनेटली डायरेक्शन इज नोन एज ओशियन करंट, इसको हम ओशियन करंट कहते हैं। जो ओशियन करंट होता है वो कोल्ड भी हो सकता है, वार्म भी हो सकता है। जनरली जो कोल्ड करंट होता है कैरी वाटर, उस पोलर और हायर एल्टीट्यूड तक लेके जाता है। और इससे ट्रॉपिकल से लोअर लैटीट्यूड तक लेके जाता है, मतलब क्या है, हायर एल्टीट्यूड से ट्रॉपिकल लोअर लैटीट्यूड तक लेके जाता है। ये जो वार्म ओशियन करंट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इक्वेटर से स्टार्ट होके और पोल्स तक जाते हैं। इक्वेटर हमारा बीच वाला होता है, पोल्स यहाँ पर जो किनारे होते हैं हमारे अर्थ के वो पोल्स होते हैं, और बीच में आपका इक्वेटर होता है।
एरिया जहाँ पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं वो एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स देते हैं ऑफ द वर्ल्ड। सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज द एग्जांपल ऑफ सच एरियाज। फैक्टर्स कौन से जो हैं जो ओशन करंट को राइज करते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, विंड को प्रिवेल करने की जो डायरेक्शन है और अर्थ को रोटेट करने की डायरेक्शन। वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर, वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। शेप्स ऑफ द कोस्ट लाइन्स। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, कल हम इसका जो है बुक वर्क डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।